यानी इसका मतलब है कि 26 अरब रुपया जो है हर महीने सरकार बचा रही है, केवल आपके वेतन को काट कर यानी नौकरी न देकर 26 अरब रुपया लगभग सरकार बचा रही है। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं मोतिहारी में हूँ और मोतिहारी के सबसे मशहूर मैथमेटिशियन जिनका नाम है बीके सर, मैं बीके सर के साथ में हूँ और आज मैं इनसे बात करूँगा, खासकर नौजवान के मुद्दे पर, आरआरबी में जो घोटाला हो रहा है, एनटीपीसी में जो घोटाला हो रहा है और छात्र आंदोलन हो रहा है उस पर बात करूँगा। साथ ही मैं जानूँगा कि गवर्नमेंट सरकार जो है रोजगार को लेकर उसकी क्या नीति है, उसके बारे में बीके सर से मैं जानूँगा, सर पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे। तो ये वीडियो जो है काफ़ी धमाकेदार होने वाला है उन लोगों के लिए जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी में एग्जाम दे चुके हैं, एनटीपीसी का एग्जाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट के वेट करने के चक्कर में जो है आंदोलन में जा चुके हैं और बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है। आप सबों के लिए ये वीडियो काफी मायने रखने वाला है, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बीके सर इस वीडियो के माध्यम से आपको सब चीज समझाने वाले हैं। सर, आप हमारे चैनल पर टाइम दिए और छात्रों को समझाने के लिए आप हमसे बात किए, आपका वेलकम है। सबसे पहले इंडियन टाइम्स चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको भी धन्यवाद कि आप जो इतना टाइम दिए हैं मेरे से। सर, मैं जानना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले जो है युवा सड़क पर क्यों आए थे, आंदोलन क्यों हुआ था? सबसे पहले सरकार की जो नीति है, सरकार जो है नौकरी देना नहीं चाहती है, उसको लेकर के बेरोजगार जो युवा है मजबूरी में वो लोग सड़क पर उतरना पड़ रहा है, मजबूरी में लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मेरे पास एक डाटा है जो आपको न्यूज चैनल वाले के माध्यम से मिला है, आपको आज तक न्यूज के माध्यम से मिला है, आपको 10 घंटा पहले का डाटा है कि 2020 में केवल केंद्र में जो नौकरी है 8,72,000 सीट खाली है, 8,72,000 लोगों का सीट खाली है केवल केंद्र में। लेकिन सरकार जो है 30,000 बहाली के नाम पर जो है और 1,00,000 बहाली के नाम पर जो है 3 साल से पेंडिंग में रखे हुए। सबसे पहले आंकड़ा रखते हुए आपको बताएंगे कि किस तरह कितना बड़ा घोटाला है। सरकार जो कहती है कि बहुत साफ सुथरी छवि वाली सरकार है, लेकिन इसमें आपको बता सकते हैं 8,72,000 सीट खाली है, 8,72,000 इतना सीट जो है केंद्र में केवल खाली है। अगर इसका एवरेज वेतन अगर आप 30,000 भी लेते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का कोई भी नौकरी है तो 30,000 से कम वेतन उसका होगा नहीं, किसके ज़्यादा भी है क्योंकि अब कई स्केल आगे बढ़ चुका है, लोगों का वेतन 40,000-50,000 मिले। एवरेज अगर 30,000 के हिसाब से भी देखा जाए तो आपका जो डाटा होता है आप डाटा ये कन्वर्ट कर सकते हैं, आप काउंट करते रहिए, इसको आप काउंट कर लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, यानी इसका मतलब है कि 26 अरब रुपया जो है हर महीने सरकार बचा रही है, केवल आपके वेतन को काट कर यानी नौकरी न देकर 26 अरब रुपया लगभग सरकार बचा रही है। और इसके अलावा बिहार सरकार, स्टेट सरकार सभी में आपको बहाली न देकर एक बहुत बड़ा घोटाला है देश में, बहुत बड़ा स्कैम इसको कह सकते हैं, आपको वेतन बचा करके आपसे सरकार अपना काम निकाल रही है, अपना काम खींच रही है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है तो एक महीने में जो है इतना बड़ा रकम जो है वो बचा रही है, मतलब कि अगर युवाओं को नौकरी मिलता तो इतना अरब जो है पैसा युवाओं के घर पे जाता और युवा आज दर दर नहीं भटकते, बेरोजगार नहीं होते। जैसा कि अभी मैंने बीके सर से बात किया कि गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार से घोटाला कर रहा है और आरआरबी एनटीपीसी में क्या धांधली हो रही है उसके बारे में बीके सर ने बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। सर ने आपने हमें टाइम दिया और इसके बारे में आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम लोग विद्यार्थी के हित में बात करने वाले लोग ही हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सर ने हमें टाइम दिया। आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़, मैं सुनील कविराज, कैमरामैन गुड्डू भैया के साथ में, धन्यवाद।